कहानी चोर और पुलिस की बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बहुत बड़ा हड्डी चोर रहता था। उसका नाम राजू था। वह लोगों के घरों से चोरी करके फरार हो जाता था। एक दिन गांव के पुलिस वाले ने सुना कि राजू गांव में घूम रहा है। वह तुरंत उसकी तलाश में निकला। पुलिस वाले ने गांव वालों से जानकारी ली और राजू की चोरी की पहचान करने के लिए कई कोशिशें की। पुलिस वाले ने राजू को एक दिन चोरी करते हुए पकड़ लिया। राजू को गिरफ्त में लेकर वह बहुत चिढ़ा रहा था। तुम मुझे क्यों पकड़े हो? मैंने कुछ नहीं किया, पुलिस वाले ने मुस्कराते हुए कहा। तुम्हारी चोरी को सब जानते हैं राजू, अब तुम सजा भुगतोगे, राजू ने अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए कहा। मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा, पुलिस वाले ने उससे वादा किया कि अगर वह फिर से चोरी नहीं करेगा तो उसे माफ कर देंगे। राजू ने उसे अपनी गलतियों की पछताई महसूस करते हुए वादा किया कि वह कभी भी चोरी नहीं करेगा। इसके बाद से राजू ने बदल दिया अपना रास्ता और गांव वालों के बीच में एक ईमानदार आदमी बन गया। पुलिस वाले ने भी उसकी सच्चाई को देखकर उसे माफ कर दिया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि गलत रास्ते पर चलना हमें कहीं नहीं ले जाता। एक बार गलती करने पर हमें उससे सीख लेनी चाहिए और दूसरी बार वही गलती नहीं करनी चाहिए। ईमानदारी से जीना हमें सच्चे सुख की ओर ले जाता है।